ये बस ये छोटा सा घर है, मकान और टूट गए थे, हमारे घर पे नहीं है, बस ये छपरा है। पिछले साल सर्दियों में मकान गिर गया था जब बारिशें ज्यादा हुई थी। इज्जतदार लोग हैं, दूसरे के घर में कारोबार है, मेरी बीवी नहीं कर सकते, अब क्या करें। खिदमत हल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप गली देख सकते हैं, ये देख रहे हैं दूर दूर तक, ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे हकदार लोग हैं कि ये खोला सा है। इन भाई ने इतनी मिन्नतें की कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि मेरी एक बार वीडियो बनाएं, आईनी की मुज़बानी निकला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाएं। आ जाएं बाजी, आ जाएं। आ जाएं जी, आ जाएं। ये देखें नाजरीन, क्या हाल है भाई, ठीक है आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक। आ जाएं, आ जाएं। बस अब क्या करें, अल्लाह पाक। ये देखें नाजरीन, ये फोकस करें, ये मुझे, आपको क्या हुआ है, आप चलते हुए थोड़ा वो कर रहे हैं? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये आप यहाँ पे रहते हैं? जी, ये बस ये छोटा सा घर है, मकान और टूट गए थे, हमारे घर पे नहीं है, बस ये छपरा है। अच्छा, बस घर बनाना है। इधर देखें, कैमरामैन दिखा रहे हैं, आप उस तरफ चले, आप उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाजी, ठीक है? आ जाएं बैठे। ये पीछे ये खोला है क्या? छोटा सा घर है जी, बस ये घर तो बनाना था, अभी मकान पिछले साल गिर गए थे। ये नाजरीन, पीछे कच्चा मकान है इनका और आगे पीछे ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम कुरैशी, मोहम्मद इब्राहिम वालिद के नाम है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, उसके बाद मेरी मजबूरी बन गई, बहनें थी उसकी शादी कर दिया, बहन भाई थे, फिर मेरी शादी, अभी छह सात सात बच्चे हैं मेरे। पिछले साल सर्दियों में मकान गिर गया था जब बारिशें ज्यादा हुई थी, उसके बाद मेरे पास हिम्मत नहीं हुई, अब क्या करें, बस कहीं से मांग लेते हैं, कहीं कोई इंतजाम का। क्या मसला है आपको? अभी ये बड़ी छोटी हो गई, ऑपरेशन कराया था, रात डाला था, ज्यादा दौड़ भाग तो नहीं सकता हूँ, वजन भी नहीं उठा सकता। इसमें आप लोग कैसे इस ये देखिए नाजरीन, कच्चा, ये भी एक कच्चा खोला है, इसके अंदर ये रहते, उसकी ऊपर वाली छत नहीं है, इस खोले की ऊपर वाली छत नहीं है, जिस वजह से ये यहाँ रहते हैं। ये छपरा तो डाला है, बस यही तो गुजारा कर रहे हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे, आपने इन्हें पढ़ाया नहीं है बच्चों को? बस अभी जाते हैं स्कूल में, क्या करें, वो स्कूल में जाते तो आप साफ जहर आगे खर्चा भी होता है, मेरा रोजगार नहीं है, क्या करें, ये मजबूरी है हमारी। तो यहाँ पे आप लोग कैसे सोते हैं, क्या करें, और कोई घर जो नहीं है क्या करें, फिर दूसरे घर में। बेटा नमाज पढ़ा करो, ठीक है, मस्जिद पे तो जाया करो, कम से कम मस्जिद तो जाया करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम तस्लीम। तस्लीम, आप मसलन इस तरह कैसे गुजारा करती है, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं? बस बाजी क्या करो, मजबूर है, मजबूरी का वक्त गुजारने। इज्जतदार लोग हैं, दूसरे के घर में कारोबार है, मेरी बीवी नहीं कर सकते, अब क्या करें। इज्जतदार लोग हैं, पर्दे की पाबंदी है, क्योंकि आज हाशमी फैमिली सैयद फैमिली के लोग हैं हम, दूसरे के घर में बीवी बच्चे नहीं काम कर सकते। तो आप मुझे ये बताएं भाई, आपको इस टाइम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहती है, वो आपको किस किस्म की कोई मदद करे? बाजी मदद करने के लिए तो ऐसे टीमें आती है, लेकिन किसी ने, सब ने बयान तो ले लिए, वो मुझे पता है भाई, तो मैं ये जानती हूं, कभी किसी ने इमदाद नहीं किया। हाँ, बड़े बड़े इदारे आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, नाम लिख लेंगे, आएंगे शिनाख्ती कार्ड की नकलें, सिम में, मैंने आपसे कोई चीज ली नहीं, कोई चीज किसी से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से, देने वाला वो है, मैं सिर्फ देने वाले, आपकी आपकी मेहरबानी, आपका तावन है, मेरे भाई देने वाला और है, मैं सिर्फ आवाज बन सकती हूँ, मैं अल्लाह की रजा पे निकली हूँ, इसीलिए हूँ लोगों से तंग। आपको इज्जत दे अल्लाह पाक, आपको इज्जत दे अल्लाह पाक, अच्छा मकाम दे आपको। हम आपको देख रहे हैं बहन भाई, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते? बस अभी हम क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को छत के मकान की छत बन जाए और घर में कोई छोटा मोटा रोजगार बन जाए, तो हमारे बच्चों की रोजी बनती रहे। आप चाहते हैं कुछ छोटी मोटी दुकान हो, घर दुकान हो, कारोबार हो, चलो छोटा मोटा तो हो, घर में रह के बंदा अपना बच्चों को तो पाल समझ सके ना।
बस यही चाहते नमाज पढ़ा करें। वैसे पैसों की जरूरत नहीं है, घर के छत हो और छोटे मोटे दुकान बन जाए तो हम अपने बच्चों का रोजगार कर सके। कैसे हिम्मत से कह रहे हैं, पैसों के करोड़ों रुपए नहीं चाहिए हमें, इतना है कि जितना बच्चों को मैं कर सकूं, मेरे बच्चे कर सके। खुदारा वीडियो को देखें, खुद इंसाफ करें, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुंचे और वैसे मजलूम और गरीब लोगों की मदद करें। आगे आप फैसला करें, अल्लाह ने की।